चलो, जिस दिन बर्थडे होगा उस दिन जरूर बोल देना फिर। आ है कब है? अभी तो बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर अगले साल आएगा ना। हाँ, इस साल वाला तो जा चुका है। हाँ चलो, अब जरा मुझे बताओ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इमोशनल ईएमएफ स्टार्ट किया था। तुम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, BLV, ई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? BLV ना। अच्छा, वो जो फॉर्मूला लिखा है ना, वो जो आंसर आया है, वो आंसर एक स्पेशल केस का आंसर है। यानी ये आंसर हर बार ईएमएफ का BLV नहीं होता, ये सर एक स्पेशल केस होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी तीनों कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना। इसके आंसर के साथ ऐसा लिख दो, जो तुमने आंसर लिखा है, ई इंड्यूस इक्वल्स टू BLV, इसी के नीचे ऐसे एरो बना के लिख दो, व्हेन बी परपेंडिकुलर टू एल परपेंडिकुलर टू बी, ऐसा लिख दो, बी परपेंडिकुलर टू एल परपेंडिकुलर टू बी, एल परपेंडिकुलर टू बी। इसके नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखो, पॉइंट्स बना के लिखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल इज गिवन बाय, पॉजिटिव टर्मिनल इज गिवन बाय, ऐसा लिख दो, वी क्रॉस पी, सेकंड लिख दो, व्हेन द कंडक्टर, व्हेन द कंडक्टर कट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हेन द कंडक्टर कट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन ऑल द थ्री वेक्टर्स, ऑल द थ्री वेक्टर्स, ऑल द थ्री वेक्टर्स, ब्रैकेट लिख दो, वी वेक्टर, बी वेक्टर एंड एल वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम, ब्रैकेट में लिख दो, ई इंड्यूस इक्वल्स टू BLV, ई इंड्यूस इक्वल्स टू BLV, नेक्स्ट लाइन में लिख दो पॉइंट बना के, इफ एनी ऑफ द टू वेक्टर, इफ एनी ऑफ द टू वेक्टर्स आउट ऑफ, एनी ऑफ द टू वेक्टर्स आउट ऑफ, ब्रैकेट में लिख दो, वी वेक्टर, बी वेक्टर एंड एल वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ
इज जीरो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो देखो मुझे बताओ, सबसे पहले तो वो जो सेल बनता है ना, हमने देखो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि सर ये जो रोड है ना, इस रोड की वेलोसिटी आगे थी, इसकी लेंथ एल थी, ये वाला टर्मिनल ए था, ये वाला टर्मिनल बी था, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस में लिखनी होती है, क्रॉस में। तो आज अगर मैं तुमसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की बात करूंगा तो तुम्हें किससे चेक करनी होगी, वी क्रॉस बी से। डायरेक्शन अपन किससे बनाएंगे सेल की, वी क्रॉस बी से। अच्छा वी क्रॉस बी करना जरा, V क्रॉस B थंब की तरह आ गया ऊपर, तो जिस डायरेक्शन में थंब आएगा वो वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और दूसरा टर्मिनल कैसा होगा, नेगेटिव। यानी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल तो सिंपली किससे बोल देना है, V क्रॉस B से ना। अच्छा दूसरी बात कि जब अपने पास ये तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, और उस वाले केस में ईएमएफ इंड्यूस भी क्या आता है, मैक्सिमम आता है। अच्छा अगर अपने पास इनमें से कोई से भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो जाए, कोई से भी दो वेक्टर पैरेलल हो जाए, मुझे बताओ इसमें एल वेक्टर वी वेक्टर बी वेक्टर मैंने बना रखे हैं, बताना जरा वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, एक्स में, बी भी किस में, एक्स में ही है, इसको मतलब वी वेक्टर पैरेलल किसके है, बी के। तो यहाँ पे अगर कोई से भी दो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे तो ई इंड्यूस का आंसर हर बार क्या लिखना है, जीरो, क्योंकि ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करके नहीं जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये इस रोड के ऊपर से ही निकल रही है, इस रोड के कहाँ से निकल गई, ऊपर से, ये इसको कट करके नहीं जा रही। और हम ऐसा बनाते हैं हर बार कि अगर कोई से भी दो वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल या बी वेक्टर एल वेक्टर के पैरेलल, बी वेक्टर एल वेक्टर के पैरेलल, कोई से भी दो पेयर आपस में पैरेलल हो गए तो हर बार इंड्यूस का आंसर क्या लिखेंगे, जीरो। जैसे बताओ इस वाले केस में, बताना जरा एल की डायरेक्शन किस में, एक्स में, तो वेलोसिटी भी इसकी किस में, एक्स में ही है। इस केस में कौन पैरेलल है, क्या वी पैरेलल टू एल हो जाएगा, इस वाले केस में भी ई इंड्यूस का आंसर क्या बोल देना, जीरो। और ऐसे ही मुझे बताओ, मान लो ये एल वेक्टर है और बी वेक्टर की डायरेक्शन ये दे रखी है और ये दे रखा है वी वेक्टर, अब जरा बताओ कौन से दो वेक्टर पैरेलल है, एल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वाई में, तो एल वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कैसे पैरेलल है, इनमें भी ई इंड्यूस का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट नहीं होगी, ये उसके ऊपर से निकल जाएगी, साइड से निकल जाएगी, ऊपर से निकल जाएगी, इसको अंदर से कट करके नहीं जाएगी ना। पहले तीनों डायग्राम बना लो। ठीक है, चलो पहले यहां तक बनाया सबने। अब जरा मुझे बताओ कि अगर अपने पास कोई ऐसा केस हो जाए
ना, जिसमें जो रोड है ना तो वो पैरेलल है ना ही वो परपेंडिकुलर है ना। मुझे बताना जरा, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन दे रखी है, ये एंगल थीटा दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखी है। अच्छा मुझे बताओ, इस वाले केस में है ना, इस वाले केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन तो कौन सी है? एक्स डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड किस में? जेड में है। अच्छा ये रोड की लेंथ, ये वाई में है क्या? ये वाई में नहीं है। देखो अगर ये वाई में होती फिर तो मैं बोल देता BLV इसके क्रॉस EMF इंड्यूस हो जाएगा, और अगर ये पैरेलल होती तो V के तो मैं क्या बोल देता? जीरो। अब ना तो ये परपेंडिकुलर है ना ही ये पैरेलल है, ये तो वेलोसिटी के साथ किसी एंगल पे है, ये वेलोसिटी के साथ किसी एंगल पे है। तो जब भी V और ये रोड जो है वो किसी एंगल पे होंगी तो तुम्हें वेलोसिटी के कंपोनेंट बना लेने हैं। आज मुझे बताओ, आज अगर मैं इस वेलोसिटी का कंपोनेंट बनाऊंगा तो मुझे पता है एक कंपोनेंट तो ये बन जाएगा, इधर क्या लिखेंगे? वी कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट ये बनेगा, इधर क्या लिखेंगे? वी साइन थीटा। वो कंपोनेंट कौन सा है जो वेलोसिटी की, जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, वो कौन सा कंपोनेंट है? वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा तो इस रोड के पैरेलल ही हो गया, तो इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस कितना है? जीरो। केवल किसकी वजह से आएगा? इस वी साइन थीटा की वजह से। तो आज ये, अब ये रोड और ये वी साइन थीटा आपस में परपेंडिकुलर है, तो आज अगर मैं ईएमएफ इंड्यूस का आंसर लिखूंगा तो उसमें लिख दूंगा बी एल और वी की जगह क्या लिख दूंगा? वी साइन थीटा। तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? बी एल वी साइन थीटा। इसमें ये थीटा क्या है? थीटा जो है ये है एंगल बिटवीन ना वी वेक्टर एंड एल वेक्टर। V और L के बीच का एंगल है, वेलोसिटी और रोड की लेंथ के बीच का क्या है? एंगल है ना। इसको बना लो, L के भी बना सकते हैं, सही है, तीनों वेक्टर हैं। ये तुम्हें आंसर तब लिखना है जब किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में तुम्हें थीटा एंगल दे रखा हो। क्वेश्चन में V और L के बीच में, L और B के बीच में अगर कभी भी थीटा एंगल दे रखा है तो तुम बी एल वी साइन थीटा लगा दे। और अगर डायरेक्शन मुझे चेक करनी है तो इसमें मुझे, जैसे मान लो ये टर्मिनल ए दे रखा है, ये वाला टर्मिनल बी दे रखा है, फिर से वी क्रॉस बी से चेक कर सकते हैं। बताओ वी क्रॉस बी करेंगे तो इस वी से चेक करेंगे या वी साइन थीटा से चेक करेंगे? वी साइन थीटा की वजह से, उसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो वी इधर है, वी क्रॉस बी थंब किधर आ गया? ए की तरफ। इसका मतलब अपन यहाँ लिख देंगे ये वाला टर्मिनल कैसा है? पॉजिटिव। और ये वाला टर्मिनल कैसा है? नेगेटिव। इसके नीचे हेडिंग डाल के लिखो वेक्टर फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वेक्टर फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वेक्टर फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो अपन ने ये बी एल वी आंसर लिखा कहाँ से था? हमने लिखा था एफ ई इक्वल्स टू एफ एम, याद है हमने क्या लिखा था कल स्टार्टिंग में? एफ ई इक्वल्स टू एफ एम। एफ ई की जगह क्यू ई लिख दिया था, एफ एम की जगह क्यू वी भी लिख दिया था, क्यू से क्यू कैंसल आउट हो गया था। तो आज मुझे वेक्टर फॉर्म लिखनी है, इसका मतलब मुझे इन दोनों को इक्वल तो करना है बट वेक्टरली इक्वल करना है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट। तो एफ ई वेक्टर बराबर करके क्या लिखना होता है? माइनस एफ एम वेक्टर। इसका मतलब दोनों की वैल्यू तो सेम है और नेगेटिव साइन क्या शो करेगा? डायरेक्शन को। अच्छा एफ ई की जगह मैं क्या लिख दूंगा? क्यू इंटू ई वेक्टर, और माइनस है ही, और यहाँ लिख दूंगा क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बी क्रॉस बी तो होता था, तो क्यू से क्यू क्या हो गया? कैंसल आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर किसके आ गया?
माइनस वी क्रॉस बी के, पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, पोटेंशियल पता करना है, पोटेंशियल पता करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डीवी बराबर माइनस ई डॉट डीआर होता है, या ई डॉट डीएल होता है, याद करो डीवी बराबर माइनस ई डॉट डीएल होता है। ई को क्या लिखते थे, माइनस डीवी बाई डीएल या डीवी बाई डीएक्स, है ना। तो आज मुझे डीवी पता करना है, तो डीवी बराबर माइनस, है ना। अब देखो ई की वैल्यू पुट करूंगा तो इसका भी माइनस आएगा, तो वो माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे ई की जगह क्या लिखा जाएगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डॉट करके क्या लिखा जाएगा, डीएल वेक्टर। फिर मैं पूरी रोड में पता करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा, तो डीवी की जगह वी हो जाएगा, वी लिख लो या ई इंड्यूस लिख लो, और यहाँ पे आंसर क्या बचेगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और डीएल की जगह क्या बन जाएगा, एल वेक्टर। यानी अपने पास ई इंड्यूस का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। क्या याद रखना है, वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब तुम्हें सब चीजें आई जे के में गिवन हो। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब सब चीजें क्या गिवन हो, आई जे के में, आई जे के में सब चीजें गिवन होगी तब ये फॉर्मूला लगाना है। तो बोलेगा एक रोड की वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4j कैप, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है 2k कैप में, रोड की लेंथ है वाई डायरेक्शन में, तो वो बोलेगा ईएमएफ इंड्यूस बताओ। तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इतना लिखो। इसके साथ ऐसा लिख दो, व्हेन ऑल द थ्री वेक्टर्स, एरो बना के लिख देना इसके नीचे, व्हेन ऑल द थ्री वेक्टर्स आर इन आई जे के फॉर्म, व्हेन ऑल द थ्री वेक्टर्स आर इन आई जे के फॉर्म। यानी अब अपने को चार बातें क्या याद रखनी है कि सर पहला तो आंसर होता था बी एल वी, जब सारे परपेंडिकुलर होते हैं जो 80-90% क्वेश्चनों में आंसर होता है। दूसरा जीरो भी आ जाता है जब दो कोई भी वेक्टर क्या निकल जाए, पैरेलल। तीसरा याद रखना है सर ये अगर एंगल थीटा दे रखा होगा ना तो मैं बी एल वी साइन थीटा लगा दूंगा। और फोर्थ अगर मुझसे वेक्टर फॉर्म पूछी जाएगी तो उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। ये चार बातों के क्वेश्चन आएंगे, है ना। एक पॉइंट और लिख लो, इसमें लिख दो, इफ द कंडक्टर, इफ द कंडक्टर इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म, पॉइंट है, इफ द कंडक्टर इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म, इट इज कर्व्ड इन नेचर, इट इज कर्व्ड इन नेचर, देन इट इज कर्व्ड इन नेचर, देन यूज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एंड्स, यूज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एंड्स फॉर एल वेक्टर, और एल वेक्टर।
मुझे बताओ, अगर अपने पास जो रोड है या कंडक्टर है वो ऐसे बेंड करके दे रखा है और इसकी वेलोसिटी किधर है, ऊपर, तो अपने को पता है, अपने को इस रोड में जो ईएमएफ पता करना है वो कैसे पता करेंगे सर? इनके बीच में एक स्ट्रेट रोड बना के इनका रिजल्टेंट ये बनाना होता है, ये वाली स्ट्रेट रोड, इसका पता करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वेलोसिटी इसकी किधर होगी, आगे। अब इसकी लेंथ क्या लिखनी है सर? ये जो ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट आएगी, अपने को इनके बीच की क्या लिखनी होती है? डिस्प्लेसमेंट। ई इंड्यूस का आंसर में बी एल वी, ये एल वेक्टर होता था, तो एल वेक्टर है तो इसका मतलब मुझे डिस्टेंस लिखनी है, डिस्प्लेसमेंट लिखनी, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ए और बी पॉइंट के बीच की क्या लिख दूंगा? डिस्प्लेसमेंट। सॉल्व तो वैसे ही करना है, वी क्रॉस बी करके, वी क्रॉस बी, तो हम भी तरह जाएगा। ये डायग्राम बना दो, फर्स्ट आंसर क्या आएगा? 0.5 वोल्ट ना। मुझे बताओ वी माइनस वी भी पता करना है, तो पहले बताना जरा कि आज अगर अपने पास ना ईएमएफ इंड्यूस का जो फॉर्मूला होता है वो अपन क्या लिखते थे? वो लिखते थे बी एल वी साइन थीटा। जब भी वेलोसिटी के बीच में और वायर की लेंथ के बीच में एंगल गिवन होता है तो बी एल वी साइन थीटा लिखना होता है। तो आज बी की वैल्यू कितनी है? 5 टेस्ला। देखो लेंथ उसने क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, तो क्या 0.1 मीटर लिख दो? इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है? 2। और यहाँ पे साइन थीटा, थीटा कितना लिखेंगे? 30 डिग्री। तो अपने को बताइए 2 और साइन 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? 0.5 वोल्ट। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो अपने को बताइए इस वी के कॉम्पोनेंट बनाऊंगा, एक कॉम्पोनेंट ये बनेगा और एक कॉम्पोनेंट ये बनेगा, यही तो बनेगा v sin 30। तो आज बी क्रॉस बी करेंगे, बी क्रॉस बी, थंब किधर आ जाएगा? ए की तरफ, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए हाई पोटेंशियल बी लो पोटेंशियल।
ऐसे ही सेकंड में क्या लिखेंगे, 2 PRV मुझे बताओ। ये जो रोड है ये ऐसे बेंट कर रखी है, तो अपने को बता अगर रोड अगर बेंट कर रखी है तो अपने को कौन सी रोड चाहिए, ये स्ट्रेट वाली। तो बताना जरा कि ये जो स्ट्रेट वायर है इसकी वेलोसिटी किधर है, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किस में है, क्रॉस में। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, और इसकी लेंथ कितनी है, 2R है। इसकी लेंथ कितनी है, 2R है ना। तो अगर इसमें EMF इंड्यूस का आंसर लिखेंगे तो लिख देंगे 2 PRV। बस उसमें L की जगह 2R लिखना होगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे बताओ अब फिर से, तुम्हें हर क्वेश्चन में VA-VB ही सॉल्व करना है। बस बातें नहीं है ना, जल्दी से बना दो। चलो तो थर्ड वाले डायग्राम में है ना, थर्ड वाले डायग्राम में अपने को पता है कि ये ए से लेके बी तक ये वायर बेंट कर रखी है ना, और अगर वायर बेंट कर रखी है तो अपने को इसके बीच की डिस्प्लेसमेंट लिखनी होती है। तो आज इसके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो अपने पास ही हो जाएगी। ये वाली रोड के लिए लिखना अपने को ई इंड्यूस ना। अच्छा बताओ, ये लेंथ एल दे रखी है, ये एंगल थीटा दे रखा है। थीटा के जो सामने वाली लेंथ होती है कितनी होती है, एल साइन थीटा। थीटा के सामने ट्रेंगल में जो लेंथ होती है वो क्या है, एल साइन थीटा। ऐसी ये वाली लेंथ भी क्या आ जाएगी, एल साइन थीटा। इसका मतलब इस पूरी एपी वायर की जो लेंथ है वो अपने पास है 2L sin थीटा है ना, ये पूरी वायर की लेंथ है। अच्छा वेलोसिटी इसकी किधर है, आगे है। मैग्नेटिक फील्ड किस में है, क्रॉस में है। तो फिर से V क्रॉस B करेंगे तो A वाला टर्मिनल बन जाएगा पॉजिटिव और B वाला टर्मिनल क्या बन जाएगा, नेगेटिव है ना। और इसमें EMF इंड्यूस का आंसर लिखेंगे तो E इंड्यूस में लिख देंगे 2 PLV sin थीटा। लेंथ की जगह क्या लिखोगे, 2L sin थीटा। ऐसे मुझे बताओ नेक्स्ट वाले में है ना, नेक्स्ट वाले में देखो, एक तो ये लेंथ दे रखी है, एक ये फ्रेम दे रखा है और एक ये लेंथ है। अब टोटल अगर हमसे पूछा जाए है ना, बस बातें नहीं, देखो कोई ना कोई पॉइंट रह जाएगा। पेपर में तो एक आधा क्वेश्चन ही आना है, नीट में
ये बात समझो, पेपर में एक आधा क्वेश्चन नहीं आना है नीट में, और उसमें भी अगर वो एक आधा पॉइंट तुम्हारा रह गया तो वही काम खत्म हो जाएगा, इतने दिन पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, देखो इस वाले केस में मुझे बताओ, इसमें टोटल देखा जाए तो कितने सेल बनेंगे, चार ना। अपने को बताइए, इस रोड में एक सेल बनेगा, इसमें भी एक सेल बनेगा, इसमें भी एक सेल बनेगा और इसमें भी एक सेल बनेगा, टोटल यहाँ पे कितने सेल बनेंगे, चार। इस हॉरिजॉन्टल वायर में कोई सेल नहीं बनेगा। अब अपने को बताइए, ये वाले जो दो सेल बनेंगे वो दोनों आपस में किस में होंगे, पैरेलल में। देखो ये जो दोनों सेल बनेंगे वो दोनों आपस में पैरेलल में होंगे, और पैरेलल में दोनों की वैल्यू क्या होंगी, सेम ही होगी। हम जानते हैं पैरेलल में अगर दो सेल होते हैं तो उन दोनों सेलों को हटा के मुझे एक सेल बनाना होता है, और उसका ईएमएफ अगर दोनों इक्वल सेल हैं तो वो एक सेल का ईएमएफ किसके बराबर होता है, एक सेल के बराबर ही रहता है। यानी आज अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ऊपर वाला तो ये बन गया ए पॉइंट वाला, इसका ईएमएफ क्या लिख दूंगा, बीएलवी। अच्छा, इन दोनों को हटा के मैंने एक सेल बना दिया, और ये नीचे वाला सेल तो था ही, अच्छा इसका ईएमएफ भी क्या लिख दूंगा, बीएलवी, और इसका ईएमएफ भी क्या लिख दूंगा, बीएलवी। ये बन चुके अपने पास तीन सेल, ये भी पीएलवी वाला सेल था, ये भी पीएलवी वाला सेल था, दोनों पैरेलल में थे, दोनों को हटा के मैंने क्या बना दिया, एक सेल। अब बताओ ये तीनों किसमें आ गए, सीरीज में। अब ये तीनों किसमें, सीरीज में, तो सीरीज में जब तीन सेल होते हैं तीनों को ऐड कर दो ना, यानी इसका आंसर क्या लिख देंगे, 3BLV। चलो पहले यहां तक लिखा सबने, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ लूप इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अ लूप इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन फाइंड देन फाइंड फर्स्ट पॉइंट में लिख दो, ई इंड्यूस इन द लूप, ई इंड्यूस इन द लूप, और सेकंड में लिख दो, VP-VQ, VP-VQ, VP-VQ। देखो आज उसने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि भाई इस लूप में ई इंड्यूस कितना है। अब पहले बात तो उसने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, किस में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसको पहले अंडरलाइन कर लो ना। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये मूव करता है तो अपने को पता है जहाँ जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ जा रही होंगी उतनी थोड़े टाइम बाद आगे जाएगा उतनी सेम जाएंगी, यहाँ 100 जा रही है तो आगे भी कितनी जाएंगी, 100। फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो पहला तो अपन ये बोल सकते हैं कि सर डेल्टा फाई जीरो है, और डेल्टा फाई जीरो है तो ई इंड्यूस पूछा जाए या आई इंड्यूस पूछा जाए दोनों के आंसर क्या होते हैं, जीरो। ये बात तो है ही। अब ये मैंने तो बोला है फेराडे लॉ से, ये मैंने किससे बोल दिया, फेराडे लॉ से, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा,
जीरो। अच्छा क्या अपन इसमें सेल भी बना सकते हैं? जब भी कोई रोड या लूप मूव करती है तो उसके अंदर क्या बनते हैं? सेल बनते हैं। अच्छा बताना, इसमें ऐसी कौन सी दो रोड है जिसमें सेल नहीं बने होंगे? ए बी और सी डी। बताओ ए बी की लेंथ और ये वेलोसिटी आपस में पैरेलल हो गए, और ये सी डी की लेंथ और वेलोसिटी भी क्या हो गए? पैरेलल। तो ए बी और सी डी में तो सेल नहीं बनेगा, लेकिन इस ए सी और बी डी में तो सेल बनेगा ना। अच्छा दोनों में जो सेल बनेंगे, वी क्रॉस बी करेंगे इसका टर्मिनल ऊपर, ऐसे वी क्रॉस बी करूंगा उसका टर्मिनल ऊपर। तो आज इसमें जो दो सेल बने होंगे वो दोनों ऐसे बना देते। अभी हमने दो सेल बना दिए। अच्छा इसका ईएमएफ क्या लिखेंगे? पी एल वी। इसका ईएमएफ भी क्या लिखेंगे? पी एल वी। दोनों की ईएमएफ की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, बी की वैल्यू सेम है, वी की वैल्यू सेम है। अच्छा बताना जरा, ये दोनों सेल किस में? सीरीज में है, पैरेलल में? ये दोनों सेल किस में है? सीरीज में है, पैरेलल में? सीरीज में। ये दोनों सेल किस में है? अभी मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फर्स्ट केस की। मैंने कोई पॉइंट मेंशन अभी नहीं किए, पी और क्यू पॉइंट मेंशन किए क्या? नहीं किए। अभी ये दोनों सेल किसमें? सीरीज में, पैरेलल में। तो पॉइंट के पॉइंट मेंशन किए जाते हैं कि इनके अकॉर्डिंग बताना होता है पैरेलल में। अब ये दोनों सीरीज में है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है? पॉजिटिव के साथ। या मुझे बताओ, इसका करंट जो इधर आएगा उतना ही तो करंट इधर भी आएगा, जितना करंट यहाँ इस सेल से आएगा उतना ही करंट इस सेल से भी आएगा। तो ये दोनों करंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट। तो अगर दोनों करंट कैंसल आउट कर देंगे तो कभी भी ई इंड्यूस पूछा जाए या आई इंड्यूस पूछा जाए तो कितना बोल देंगे? जीरो। तो पहले पार्ट का आंसर अपन ऐसे भी बोल सकते थे कि सर दो सेल बने होंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो नेट इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? जीरो। अब सेकेंड वाले में उसने पॉइंट मेंशन किए वीपी माइनस वीक्यू। अब अगर उसने पॉइंट मेंशन किए हैं तो भाई सीधी सी बात है कि अब मुझे इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में देखना है। ये वाला पी पॉइंट है और ये वाला कौन सा है? क्यू पॉइंट है। अब ये एक सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ है बी एल वी, और दूसरे वाले सेल का भी कितना है? बी एल वी। ये ऐसे। अब बताओ इस पी और क्यू के रिस्पेक्ट में ये दोनों सेल किसमें? पैरेलल में। अब वो पैरेलल में, पैरेलल में जब दो इक्वल सेल होते हैं तो आंसर एक सेल के बराबर ही होता है। याद करो, दो सेल होंगे तो आंसर तो एक सेल के बराबर होगा, पैरेलल में पोटेंशियल जुड़ता थोड़ी ना। तो ई इंड्यूस का आंसर पूछेंगे या वीपी माइनस वीक्यू कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? पीएलवी, एक सेल के बराबर। इसको लिख लो। ठीक है, चलो पहले यहां तक लिखा सबने। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसमें लिखो अ लूप, अ लूप हैविंग साइड लेंथ एल, हैविंग साइड लेंथ एल इज प्लेस्ड नियर बाय अ करंट कैरिंग वायर,
नियर बाय अ करंट कैरिंग वायर एट अ डिस्टेंस ए, एट अ डिस्टेंस ए, देन फाइंड, देन फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इफ इट्स वेलोसिटी इज वी, इफ इट्स वेलोसिटी इज वी, इफ इट्स वेलोसिटी इज वी। पहले डायग्राम बना लो। देखो पहले मुझे बताओ आज है ना, ये जो लूप रखी हुई है यहाँ पे, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? क्रॉस में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? क्रॉस में। अच्छा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। एक वायर की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म। पिछला क्वेश्चन यूनिफॉर्म वाला था सर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थी तो आंसर जीरो आ गया था। इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में तो आंसर ईएमएफ इंड्यूस का जीरो नहीं होता। अच्छा पहले मुझे बताओ कि इसमें से कौन सी दो वायर है जिसमें सेल नहीं बना होगा? ए बी और सी डी। और कौन सी दो वायर में बनेगा? ए सी और बी डी में। अब सेल बनाएंगे तो फिर से वी क्रॉस बी करेंगे, थंब ऊपर, वी क्रॉस बी करेंगे, थंब ऊपर। यानी इस डायग्राम को अपन ऐसे ही बना सकते हैं कि सर एक सेल तो ये बन जाएगा और दूसरा सेल ये बन जाएगा। ये वाला पॉइंट अपने पास क्या है? ए है। ये वाला पॉइंट क्या है? सी है। ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट डी है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अच्छा इस सेल में मैं ईएमएफ लिखूंगा तो बी की जगह बी वन इंटू एल इंटू बी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख दूंगा? बी टू इंटू एल इंटू बी। दोनों की जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी। अच्छा बी वन और बी टू में से वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? बी वन की। तो अगर मैं पूछूंगा कि नेट ईएमएफ मुझे बताओ, अब बताओ ये दोनों सेल सीरीज में, ये दोनों सेल किसमें? सीरीज में। सीरीज में एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे। देखो इसका करंट इधर आएगा, इसका करंट इधर आएगा। तो आज अगर मैं नेट ईएमएफ लिखूंगा तो ऐसा लिख देता हूँ ई वन माइनस ई टू। ई वन की जगह क्या लिखूंगा? बी वन एल बी। और ई टू की जगह क्या लिख दूंगा? बी टू एल बी। क्या तुम दोनों में पी की वैल्यू पुट कर सकते हो? ना करो जरा इसमें। इसमें B1 और B2 की वैल्यू पुट कर दो। अच्छा बताओ B1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू का मतलब क्या है बताना जरा। इस करंट से A डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखेंगे? क्या म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए एल इंटू वी करते हैं, फिर माइनस करके बी टू क्या लिखूं मैं? म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए प्लस एल साथ में एल इंटू वी कर दूं। ये डिस्टेंस है कितनी, इस वायर से डिस्टेंस कितनी है? ए प्लस एल ही तो है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर अपने को लिखा जाएगा तो म्यू नॉट आई एल वी अपॉन टू पाई क्या आ जाएगा? कॉमन। अंदर क्या बचेगा? वन बाई माइनस वन अपॉन
ए प्लस एल। अच्छा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ई इंड्यूस का आंसर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई एल स्क्वायर इनटू बी अपॉन 2 पाई ए ए प्लस एल, ये बचेगा देखो आंसर। यानी जब दोनों सेल अलग अलग बनेंगे लूप में, वो कब बनेंगे, जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म में दो अलग अलग सेल बनेंगे, दोनों को मुझे माइनस कर देना है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन में ये होता है कि जैसे जो नीट में क्वेश्चन आया था उसमें डिस्टेंस ए मेंशन यहाँ नहीं कर रखी थी, यहाँ से लेके है ना इसके सेंटर तक की डिस्टेंस उसने क्या दे रखी थी, ए, ये वाली डिस्टेंस उसने ए बोल रखी थी। बताओ अगर ये डिस्टेंस ए है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, एल बाय टू, एल बाय टू, तो बताना ये वाली डिस्टेंस कितनी बची होगी, ए माइनस एल बाय टू। आज मुझे तो ये डिस्टेंस लिखनी होती है ना, तो ए माइनस क्या कर देंगे, एल बाय टू, और वो डिस्टेंस क्या लिखेंगे, ए प्लस एल बाय टू। तो यहाँ पे फर्क क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा ए माइनस एल बाय टू, यहाँ आ जाएगा ए प्लस एल बाय टू। ठीक है, अगर डिस्टेंस ए मिड पॉइंट से मेंशन है, मिडल वाली लाइन से मेंशन है, तब भी अपन लिख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट लिखो, देखो अब अपने पास क्वेश्चन आएंगे जिसमें अपने पास एक मूविंग रोड होगी और साथ में एक सर्किट होगा। यानी मूविंग रोड है, रोड को हटा के अपने को क्या बनाना होगा, सेल बनाना होगा, और साथ में उसके कौन लगा होगा, एक सर्किट। अब ये रोड जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है तो आर मेंशन करो, नहीं दे रखा तो मत मेंशन करो। यानी अपने को अब क्वेश्चन तो सर्किट का सॉल्व करना है, लेकिन सर्किट का सॉल्व करते से पहले उसको रोड को सेल बना लेना है। सेल बनेगा, सेल का ईएमएफ पीएल भी होता है, और फिर सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व कर देना है ना। पहले उसके ऊपर लिख दो मूविंग रोड प्लस सर्किट। एक क्वेश्चन लिखो, अ रोड ऑफ लेंथ एल, अ रोड ऑफ लेंथ एल इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्रेम, ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्रेम, ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्रेम, देन फाइंड द करंट फ्लोइंग, देन फाइंड द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द रोड इफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, इफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ये इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर, ऐसा लिख लो, नेग्लिजिबल को हटा के लिख दो स्मॉल आर, स्मॉल आर। डायग्राम बनाओ, रोड की लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है ना,
और यहाँ पे ये दो रजिस्टर देखो लगे हुए हैं, एक R1 लगा हुआ है और एक कौन लगा हुआ है, R2। अच्छा मुझे जरा बताओ, क्या जब भी मूविंग रोड वाला क्वेश्चन आता है तो पहले रोड को हटा के क्या बनाना होगा, सेल। तो आज मैं V क्रॉस P करूंगा तो थंब की तरह आ जाएगा ऊपर, तो पहले ये सेल बनेगा, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, यानी अपने पास जो डायग्राम है वो ये बचा होगा कि सर ये दो रजिस्टर बना दो, वो तो बने ही हुए थे, और साथ में एक सेल बना दो, ये हमने सेल बना दी, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा दो, जो हमने कितना लिख दिया R, इधर क्या लिख दिया R1, इधर क्या लिख दिया R2। देखिए ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा ना, अब ये डायग्राम बन जाएगा तो मुझसे क्या पूछा हुआ है, करंट फ्लोइंग थ्रू दी रोड ना, यानी तुम्हें ये पता करना है कि भाई इस सेल से कितना करंट फ्लो करेगा, अपने को ये पता करना होता है कि इस सेल से कितना करंट फ्लो करेगा, यही तो रोड लगी हुई ना। तो आज मुझे बताओ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है E डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट ना। अच्छा बताओ इसमें R इक्विवेलेंट कितना है, ये R1 R2 किसमें, पैरेलल में, R1 R2 किसमें, पैरेलल में, तो क्या लिख देंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और वो जो पैरेलल का आंसर आएगा वो R के साथ किसमें जाएगा, सीरीज में, यानी आज अगर मैं I का आंसर लिखूंगा तो EMF तो लिख देता हूँ BLV अपॉन R इक्विवेलेंट लिख देता हूँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और प्लस करके साथ में क्या लिख दूँ, स्मॉल R, प्लस करके साथ में क्या लिखूँ, स्मॉल R, ये करंट का आंसर आ जाएगा। रोड को हटा के सेल बनाओ, फिर करंट की वैल्यू सॉल्व कर दो, ठीक है। लो अब जरा एक क्वेश्चन लिखो, इसमें लिखो टू कंडक्टिंग रोड्स, टू कंडक्टिंग रोड्स ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर आर मूविंग विद वेलोसिटी, आर मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन द डायग्राम, एज शोन इन द डायग्राम, इफ दे हैव, इफ दे हैव इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम ईच, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम ईच, देन फाइंड द करंट पासिंग थ्रू, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू कैपिटल आर, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू कैपिटल आर, ब्रैकेट में लिख दो बी इक्वल टू 5 टेस्ला, बी इज इक्वल्स टू 5 टेस्ला, ये डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन में एक की जगह दो रोड्स भी आ सकती हैं, दो आ गई हैं तो दोनों को हटा के सेल बना दो,
दोनों के सेल की डायरेक्शन सेम बनेगी या अलग अलग बनेगी? सेम ही बनेगी। इसका मतलब दो सेल जो हैं वो सेम सेल बने हैं, ये दोनों सेल किस में आ जाएंगे? पैरेलल में। दोनों सेल को हटा के सेल बना लिया, बना लिया। वी क्रॉस बी करेंगे थंब की तरह आ जाएगा ऊपर। तो इसका मतलब आज इन दोनों को हटा के सेल बनाएंगे तो ये दो सेल ऐसे बन जाएंगे देखो। और साथ में ये रजिस्टर आर तो लगा ही हुआ है ना, ये कितना लगा हुआ है? 8 ओम। ये रजिस्टर आर कितना लगा हुआ है? 8 ओम ना। अच्छा बताओ इन दो सेलों का ईएमएफ सेम ही होगा? जितना सेल का ईएमएफ ई होगा उतना ही होगा। अच्छा इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या दे रखा है? सेम। ये भी आर है और ये भी क्या है? आर है। अच्छा पहले मुझे बताओ इन दोनों को हटा के एक ही सेल बनाऊंगा तो मुझे पता है कि भाई उस सेल का ईएमएफ भी कितना रहेगा? ई ही रहेगा। उस सेल का ईएमएफ कितना रहेगा? ई रहेगा। अच्छा रेजिस्टेंस आर और आर पैरेलल में है तो क्या लिख दूंगा? आर बाय टू। और ये अपने पास कैपिटल आर कितना लगा हुआ है? 8 ओम। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? ई इंड्यूस का आंसर क्या लिखना होता है? वो सर लिखना होता है बी इंटू एल इंटू वी। अच्छा बी कितना दे रखा है? 5। लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है तो 0.1। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 2। तो इसका मतलब ये अपने पास कितना आएगा? ये अपने पास कितना आएगा? 1 वोल्ट। यानी इस सेल का ईएमएफ भी 1 वोल्ट है और इसका भी ईएमएफ 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट 1 वोल्ट वाले पैरेलल में है तो इसका भी ईएमएफ कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट ही हो जाएगा है ना। इसका ईएमएफ भी कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर ये कितना दे रखा था? 4। 4/2 यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 ओम। अब बताओ तुम्हें सेल का ईएमएफ पता है, तुम्हें सर्किट में क्या कैपिटल आर में करंट नहीं बता सकते? बता सकते हैं। बताओ आई का आंसर क्या लिखेंगे? 1/ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? आंसर क्या लिखें? 0.1 एम्पियर। दो सेल बनेंगे, दोनों पैरेलल में जाएंगे, दोनों पैरेलल में जाएंगे तो दोनों को हटा के एक सेल बना दो बस। और अगर मान लो इनकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती, इनकी वेलोसिटी किस में होती? अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी राइट में होती तो इसकी किस में होती? लेफ्ट में होती। अच्छा अगर इसकी वेलोसिटी लेफ्ट में होती तो इसका सेल कैसा बनता है? वी क्रॉस बी करते तो वी क्रॉस बी थंब किधर आ जाता? नीचे। अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ये होता यानी उल्टा सेल बन जाता। और अगर उल्टा सेल बन जाता, बताओ दो सेल जुड़े हुए हैं आपस में उल्टे हैं, आपस में उल्टे, तो इनके ई इक्वलेंट का आंसर क्या आ जाता? 0। ई इक्वलेंट का आंसर क्या आ जाता? 0। याद करो जब दो सेल आपस में जुड़ेंगे तो ई वन आर टू माइनस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू फॉर्मूला होता था ना एक, तो उसमें बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। नीचे पॉइंट बना के लिख लो, इफ इन द अबव क्वेश्चन, इफ इन द अबव क्वेश्चन रोड्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, रोड्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन ई इन ई इक्वलेंट, ऐसा लिखो ई इक्वलेंट इज इक्वल टू 0। ई इक्वलेंट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो
अ रोड ऑफ लेंथ एल, अ रोड ऑफ लेंथ एल इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्रेम, ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्रेम विद वेलोसिटी वी, विद वेलोसिटी वी एज शोन इन द डायग्राम, विद वेलोसिटी वी एज शोन इन द डायग्राम, देन फाइंड फर्स्ट पॉइंट लिख दो, आई इंड्यूस सेकेंड लिख दो, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी वी, द वेलोसिटी वी ऑफ द रोड, वेलोसिटी वी ऑफ द रोड। थर्ड में लिख दो, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। पहले डायग्राम बना लो, देखो पहले पार्ट का आंसर तो तुम सिंपल ही है, तुम जानते हो है ना कि सर करंट पता करना है तो रोड को हटा के क्या बनाना होता है, सेल बनाना होता है, सेल बना दोगे सेल बन जाएगा, करंट का आंसर भी आ जाएगा। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, नहीं दे रखा तो अपने को पता है भाई इस रोड को हटा के सेल बनाऊंगा तो वी क्रॉस बी करूंगा तो थंब किधर आ जाएगा, ऊपर है ना, तो थंब ऊपर आ जाएगा, मैं इसी के अंदर ही सेल बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ सेल, ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव ना। अच्छा आई इंड्यूस का आंसर लिखेंगे तो अपन लिख देंगे ई इंड्यूस डिवाइडेड बाय आर, अब ई इंड्यूस तो है बी एल वी डिवाइडेड बाय आर, ये आंसर आ गया ना। अच्छा ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, करंट की डायरेक्शन अगर पूछूंगा तो करंट देखो ऐसे फ्लो करेगा, बताओ इस सर्किट में करंट कैसा फ्लो कर रहा होगा, रोड के अंदर करंट कैसा फ्लो कर रहा होगा, ऐसे ही तो होगा, प्लस वाले टर्मिनल से बाहर आएगा और माइनस वाले टर्मिनल के अंदर जाएगा। अच्छा अब ये तो फर्स्ट पार्ट अपने पास आ गया है ना, सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है, फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी। अच्छा एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा है, पहले मुझे बताओ ये जो करंट कैरिंग रोड है, देखो एक करंट कैरिंग वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, हम लोगों ने एक एमएससी में चीज पढ़ी हुई है कि अगर सर एक करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है, बताओ ये करंट कैरिंग वायर है इसको किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे फोर्स लगती है एफ इक्वल्स टू आई एल बी, इस पे फोर्स कितनी लगती है आई एल बी, फोर्स की डायरेक्शन किससे बनाते हैं एल क्रॉस बी से, एल क्रॉस बी फोर्स की तरह जाती है ऊपर, याद नहीं ये बात। अब मुझे बताओ आज अगर मैं पूछूंगा ये भी करंट कैरिंग वायर है करंट की तरह ऊपर, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन बताना जरा, एल क्रॉस बी कर दो जरा, देखो करंट की डायरेक्शन किधर है ऊपर, तो एल क्रॉस बी, तो बताओ थंब किधर आ गया लेफ्ट साइड, यानी जैसे ही ये रोड में करंट फ्लो करेगा तो सर इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर आ जाएगी लेफ्ट साइड, ये आएगी मैग्नेटिक फोर्स एफ एफ। अब बताओ वेलोसिटी उसकी आगे थी और मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रही पीछे, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, इसका एक्सलेशन होगा रिटार्डेशन होगा,
रिटार्डेशन हो जाएगा, यानी इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे रोड आगे जाएगी इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट उसने बोला कि मुझे इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज नहीं होने देना, मुझे उसको बनाए रखना है। तो यही पूछा उसने, एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? पहली बात तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगानी पड़ेगी, आगे, है ना, और कम से कम उतनी तो लगानी ही पड़ेगी जितनी पीछे फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगेगी, एफ एक्सटर्नल आगे, और इस फोर्स की वैल्यू और इस एफ एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, तभी तो ये कैंसल आउट होगी। यानी अगर हम सेकेंड पार्ट का आंसर लिखेंगे तो अपन लिख देंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ एम के, है ना। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स बराबर एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है सर, वो तो आई एल बी होती है। मैग्नेटिक फोर्स वायर के ऊपर कितनी होती है, आई एल बी होती है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे आई एल बी। अच्छा, आई की वैल्यू तो हमने सॉल्व की हुई है, आई की वैल्यू कितनी है, बी एल बी बाय आर। तो यहाँ लिख देंगे बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी डिवाइडेड बाय आर। ये है एक्सटर्नल फोर्स का आंसर, देखो। और ये तुम्हें याद भी रखना है कि उस वायर के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी डिवाइडेड बाय आर। ना, हो सकता है पेपर में मैं तुम्हें डाटा दे दूं, वैल्यू पुट करने को, वैल्यूज गिवन होंगी, तुम्हें सीधा पुट करनी होगी। अच्छा बताओ, इसमें फोर्स और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, एफ और वी के बीच में? बताओ एफ की पावर कितनी है, वन, वी की पावर कितनी है, वन। तो एफ एक्सटर्नल किसके प्रोपोर्शनल है, वी के। तो इसका मतलब इनके बीच का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, है ना। एनसीईआरटी में ग्राफ भी गिवन है इसका। और थर्ड पॉइंट में तुमसे पूछा था पावर डिलीवर्ड। अच्छा, पावर का फॉर्मूला, जब फोर्स और वेलोसिटी होते हैं तो पावर का फॉर्मूला क्या लिखना होता है, वो लिखना होता है सर एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। पावर होता है एफ डॉट वी, लिख दो ना। अच्छा बताओ, आज फोर्स और वेलोसिटी ये दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो एफ वी कॉस थीटा हो जाता है, थीटा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ वी। अच्छा, फोर्स की वैल्यू है कितनी, वो तो सर लिख देंगे अब आंसर बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। क्या पावर का आंसर यही आ जाएगा? तो पावर और वेलोसिटी। अच्छा बताओ, पी की पावर कितनी है, वन, वी की पावर कितनी है, टू। यानी अगर पावर और वेलोसिटी के बीच में देखा जाए तो पी किसके प्रोपोर्शनल होता है, वी स्क्वेयर के। तो इसको वाला इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, तो ये दोनों आंसर याद रहेंगे, बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। चलो अब इसमें हेडिंग लिखो, अब इसमें लिखो अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म प्लस मूविंग रोड। अर्थ मैग्नेटिज्म प्लस मूविंग रोड और एरोप्लेन। एरोप्लेन तो
अब जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों में अर्थ की मैग्नेटिज्म होगी, उन क्वेश्चनों में एरोप्लेन वाले क्वेश्चन होंगे। ऐसा क्वेश्चन होता था ना अभी, ई इंड्यूस पता करो बिटवीन द विंग्स ऑफ द एरोप्लेन ना, तो इस वाले क्वेश्चनों में डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को डायरेक्शन समझ में आ जाएगी उसको पता लग जाएगा कि ई इंड्यूस आएगा या फिर नहीं आएगा। देखो पहले एक बात समझो कि अर्थ की मैग्नेटिज्म के मैंने तुम्हें लिखवाए थे दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक अपने पास क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो आज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की बातें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होती थी साउथ टू नॉर्थ ना। अच्छा पहले मुझे बताओ, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ की होती है ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये अर्थ की कौन सी होती है ज्योग्राफिकल एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस होती है ये अर्थ की कौन सी होती है मैग्नेटिक एक्सिस। ये अर्थ की कौन सी होती है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस वो होती है जहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं मैग्नेटिक पोल्स। आज अगर मैग्नेटिक पोल्स बनाएंगे ना तो ध्यान रखना है कि जहाँ पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, देखो ये होता है जीएन, जीएन का मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये होता है जीएस, जीएस का मतलब ज्योग्राफिकल साउथ पोल। तो अपने को उल्टे बनाने होते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास अपने को एक्चुअल में अर्थ का क्या मिलता है मैग्नेटिक साउथ पोल, और ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास में एक्चुअल में अर्थ का क्या मिलता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यानी मैग्नेटिक पोल्स उल्टे होते हैं। आज अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगे, अपने को होता है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और साउथ के तो अंदर जाती है, ऐसे ही तो होगा। अब ऐसे और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 3D में होती है। अब इसमें ये वाला जो एंगल होता है ये बहुत कम है, यानी इस ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है ये बहुत कम होता ही होता है, 11.3 डिग्री का। कितना होता है 11.3 डिग्री का ना। अब ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है अर्थ का, देखो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको अपन बोलते थे नॉर्दर्न हेमिस्फियर, और नीचे वाले हिस्से को बोल देंगे सदर्न हेमिस्फियर। तो अब जरा मुझे सोच के बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बाहर निकलती हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बाहर निकलती हैं वो साउदर्न हेमिस्फीयर से तो बाहर निकल रही हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के किधर जा रही हैं अंदर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के किधर जा रही हैं अंदर। अब जैसे मुझे बताओ, मान लो सामने है मैग्नेटिक साउथ पोल और यहाँ मेरी तरफ है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, है ना, मतलब सामने मैग्नेटिक नॉर्थ है मेरी तरफ कौन है साउथ है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और यहाँ साउथ पोल पे आएगी। ये जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की एक सरफेस है तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और यहाँ पे ऐसे आएगी, फिर दूसरी लाइन भी ऐसे आएगी, तीसरी लाइन भी ऐसे आएगी, सारी लाइंस ऐसे आके स्ट्राइक करेंगी, है ना। अब ये हो गए मैग्नेटिक पोल्स, ये क्या होते हैं मैग्नेटिक पोल्स। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो ऐसे कट करती है सरफेस को, यानी वो जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक पोल की सरफेस है इनके आपस में कितना एंगल बनता होता है 90 डिग्री। इनका आपस में कितना एंगल होता है 90 डिग्री। यानी अपने पास एक टर्म आती थी याद करो जिसको अपन बोलते थे एंगल ऑफ डिप, या फिर जिसको हम बोलते थे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये क्या होता था एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड विद द सरफेस, एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड विद द सरफेस। अब मुझे ये बात याद रखनी है कि अगर मैं पोल्स की बात करता हूं तो बेसिकली वो मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रहे हैं, तो उस वाले केस में जो एंगल ऑफ डिप होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री होता है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस सरफेस के देखो ऐसे आके गिरेंगे, ये सरफेस है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएंगे और ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री ना, ये पोल्स की बात है। और ऐसे ही अब पोल्स पे अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट भी होता है और वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है, तो पहले मैं उनकी वैल्यू लिख देता हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो लिखी जाती है BE cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या लिखी जाती है BE sin थीटा, वो क्या लिखी जाती है BE sin थीटा। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में, तो एक होता है BE cos थीटा, एक होता है BE sin थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल ऑफ डिप। अब इसमें अगर मैं पोल्स की बात करता हूँ तो अगर मैं इसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पुट कर दूंगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पुट कर दूंगा, तो बताना जरा पोल्स पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी
जीरो, और पोल्स पे वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी। यानी हमें पहले ही पता होना चाहिए कि सर पोल्स पे ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है, और सारा का सारा कौन सा कंपोनेंट मिलता है, वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट पोल्स पे मिलता है, और हॉरिजॉन्टल कितना होता है, जीरो ना। और यही अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर की, एक पोल्स की कहानी होती है और दूसरी कौन सी होती है, इक्वेटर की। मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो थीटा होता है वो अपने पास होता है 0 डिग्री। थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। ये थीटा कौन सा एंगल होता है, एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड विद द सरफेस। आज मुझे बताओ मैग्नेटिक इक्वेटर मतलब इस वाली, देखो ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या होती है, जो 90 डिग्री पे लाइन होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक इक्वेटर। ये लाइन क्या होती है, मैग्नेटिक इक्वेटर। अब मैग्नेटिक इक्वेटर पे ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये जो सरफेस है, ये दोनों देखो आपस में कैसी है, पैरेलल है। इस पे मैग्नेटिक सरफेस, ये सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये दोनों आपस में कैसी है, पैरेलल। तो यहाँ पे थीटा कितना मिलता है, 0 डिग्री। यहाँ पैरेलल थोड़ी ना, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है ना, तो ये और ये किसी एंगल पे होंगे, ऐसे ये वाली भी किसी एंगल पे होंगे। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे थीटा 0 डिग्री निकलता है। यानी अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, तुम यहाँ कोस 0 रख दोगे, कोस 0 रख दोगे तो बी एच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, और वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर आ जाएगा, 0। यानी इक्वेटर पे सारा का सारा कौन सा मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, हॉरिजॉन्टल वाला, वो बी के बराबर हो जाता है, और वर्टिकल कितना मिलता है, 0। पहले इतना लिखो, जहां तुमने पहले लिखा ना एंगल ऑफ डिप, पहले इसके नीचे डेफिनेशन लिख लो, पहले इसके साथ लिख लो एंगल मेड बाय द, एंगल मेड बाय द टोटल मैग्नेटिक फील्ड
एंगल मेड बाय द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ विद द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द सरफेस विद द सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप उसके नीचे लिख दो एट पोल्स थीटा 90 डिग्री कभी भी अपने को टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी हो तो अपन BH और BV की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, है ना, और उल्टा भी कर सकते हैं। अगर अपने को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है तो BE का फॉर्मूला क्या बना होगा, अंडर रूट में BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, यही तो बना होगा। देखो मुझे बताओ, यहाँ पे इन दोनों की स्केयरिंग प्लस एडिंग कर दो, इसकी और इसकी स्केयरिंग करो और एडिंग कर दो, तो इधर क्या बनेगा BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा BE cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा। तो BE का फॉर्मूला ये भी आ जाएगा, पहले यहां तक लिखा सबने। देखो अब इसमें समय ने ये तो है ही, है ना, अब इसमें डायरेक्शन की बात आ रही है, देखो है ना, मैं इसको आगे कर रहा हूं। अपने पास अगर ये कोई सरफेस जो है वो है साउदर्न हेमिस्फीयर की, ना देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन तो सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं रहती, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है कि मैं किस हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ या नॉर्दर्न वाले की बात कर रहा हूँ। मुझे बताओ साउदर्न हेमिस्फीयर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है, वहां से बाहर निकलती है, तो बाहर निकलती है जैसे मान लेते हैं यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकली ऐसे BE। अच्छा, और इस मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ की सरफेस के साथ जो एंगल होता है उसको अपन क्या बोला है थीटा, वही तो सर एंगल ऑफ डिप होता है। आज अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊंगा तो बताना इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या बनेगा BE cos थीटा, और इस वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बनेगा BE sin थीटा। इसको मैं वर्टिकल कंपोनेंट बोल देता हूं और इसको मैं क्या बोल देता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आज मुझे बताओ कि जो वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन आई है ना, वो वर्टिकल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी ऐसे निकल रही थी, एक हॉरिजॉन्टल में बन गया और एक इसमें बन गया वर्टिकल में, तो वर्टिकल कंपोनेंट प्लस के कैप में आएगा या माइनस के कैप में आएगा, प्लस के कैप में आएगा। यानी जब साउदर्न हेमिस्फीयर की बात होती है तो जो वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है प्लस के कैप, क्या होती है प्लस के कैप ना। ऐसे ही मुझे बताओ कि अगर अपने पास जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आके कट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आई, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक कर रही है, तो बताना जरा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती है तो फिर से जो सरफेस के साथ एंगल बनता है उसको तो क्या बोलते हैं थीटा। इसके जब मैं फिर से वापिस से कॉम्पोनेंट बनाऊंगा तो बताना जरा एक कॉम्पोनेंट ये बनेगा जिसको मैं क्या लिखूंगा BE cos थीटा, और एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट ये बनेगा जिसको मैं क्या लिख दूंगा BE sin थीटा। बताना ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट प्लस के में आया माइनस के में आया, माइनस के में, यानी जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात होती है तो वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होती है माइनस के कैप, माइनस के कैप ना। पहले एक लाइन लिख लो फिर डायग्राम बना लेना, इसमें लिख दो
द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल कॉम्पोनेंट, द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज माइनस के कैप, इज माइनस के कैप एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर इज प्लस के कैप, इज प्लस के कैप और हॉरिजॉन्टल तो सेम ही है, वो है साउथ टू नॉर्थ। तुम जानते हो साउथ टू नॉर्थ का मतलब अपने को प्लस जे लिखना है। साउथ टू नॉर्थ का मतलब क्या लिखना है? प्लस जे। तो पहले डायग्राम बना लो। एक बार लिख लो, 2 मिनट की है। देखो अब इसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं मूविंग रोड तक के, है ना, शायद फर्स्ट 30 या 40 क्वेश्चन बन जाएंगे, वो सब करने हैं। ठीक है, इसको बना लो कल, और इस पे ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर तुम्हें आइडिया लग जाएगा।